पिछले दिनों ट्रेन में दिल्ली से झांसी जा रहे एक निजी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रणजीत सिंह की सफर के दौरान हार्ट अटैक आने से मुरैना के पास तबीयत बिगड़ गई थी। इसी ट्रेन में ग्वालियर के दो छात्र हिमांशु और सुकृत सफर कर रहे थे। ट्रेन ग्वालियर पहुंची तो दोनों छात्रों ने कुलपति को रेलवे स्टेशन पर उतारा और बाहर खड़ी एक कार की चाबी लेकर कुलपति को अस्पताल पहुँचाया ताकि समय पर उनको उपचार मिल सके। छात्रों ने कुलपति को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन कुलपति की मृत्यु हो गई। ये मामला यहीं खत्म नहीं होता बल्कि यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि छात्रों ने जिस कार की चाबी ली थी वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश की कार थी। इस वजह से दोनों छात्रों के खिलाफ चोरी और डकैती की धाराओं में FIR दर्ज की गई और पुलिस ने गिरफ्तार करके दोनों को हाई कोर्ट में पेश किया, जहां जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोनों छात्रों को जेल भेजने के आदेश दे दिए और टिप्पणी की कि कोई भी व्यक्ति विनम्रता से मदद मांगता है, ताकत से नहीं। दोनों ही आरोपित छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी हैं। अब इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य न्यायाधीश को एक अनुरोध पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि छात्रों ने कार छीनने का अपराध कुलपति की जान बचाने के पवित्र उद्देश्य से किया था। छात्रों का भाव किसी तरह का द्वेष या आपराधिक कार्य करने का नहीं था, इसलिए छात्रों के भविष्य पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन पर दर्ज प्रकरण वापस लेकर उनका अपराध क्षमा करने की कृपा करें। ग्वालियर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों छात्रों ने पड़ाव थाने पर जमकर हंगामा किया। हाईकोर्ट जज की कार को छीन ले जाने वाले दो छात्रों को हिरासत में लिए जाने के बाद पड़ाव थाने पर ABVP कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद थाने को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। हम लोग दिल्ली अधिवेशन से लौट के आ रहे थे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं हम लोग सब लोग। जब हमें एक सूचना आई कि एक इंसान को वहाँ पे हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है, तो हम लोगों ने उस इंसान की मदद करने के लिए उस इंसान को ट्रेन में से उतारा। तब हम लोग हमने SPF और 100 नंबर और 108 सब पे फ़ोन किया, तब भी कोई लोग आया नहीं वहाँ हमारी मदद करने के लिए। तो हमने एक गाड़ी देखी तो हमने उनसे बोला कि आप लोग हमारी मदद कर दीजिए। उसके उन लोगों ने साफ मना कर दिया और वो लोग वहाँ सिर्फ हंसते रहे। हमें ये पता नहीं था वो गाड़ी किसकी है। हम उसमें गाड़ी में उन इंसान को लेके गए और हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। तब हमें ये सूचना हुई कि वो गाड़ी मजिस्ट्रेट की है। उसके बाद हम लोगों के कार्यकर्ताओं को वहाँ से लूट का फर्जी FIR बना के उन लोगों को पकड़ लिया गया है। और हम लोगों की ये मांग है कि फर्जी FIR हटाएं और हमारे साथ के लोगों को छोड़ें। एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है इसमें हाईकोर्ट जज साहब के एक गाड़ी जो थी, तो सरकारी गाड़ी है, उसको कुछ लोग छीन के ले गए थे। तो फुटेज पर से दो आरोपियों को पकड़ा है और इनका बताना है कि वो उनसे जुड़े हुए हैं, तो अभी कार्रवाई उसमें चल रही है। और जो ये बता रहे हैं तो हमने कहा है इनसे कि अपनी बात बताएंगे तो हम उसको विवेचना में देखेंगे। वही मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि दोनों छात्रों ने मानवीय आधार पर कुलपति की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। छात्रों का उद्देश्य मानवतावादी था। उन्होंने छात्रों के अभिभावकों को भरोसा दिलाया है कि उन पर दर्ज प्रकरण को लेकर मानवता के आधार पर हर संभव मदद की जाएगी।